अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ओब्लिक इंसिडेंस। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें जिसमें मेरे पास है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। ओब्लिक इंसिडेंस का मतलब ये है कि आपके पास किसी भी एंगल के ऊपर, नॉर्मल इंसिडेंस में हमारे पास ये था कि प्लेन जो बाउंड्री थी बिटवीन द टू मीडियम उसके परपेंडिकुलर आपके पास वेव जो है वो ट्रैवल कर रही थी। लेकिन इस केस में आपके पास किसी भी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर सकती है और वो डायरेक्शन हम इस हिसाब से देखेंगे कि जो नॉर्मल होगा टू द प्लेन, जो नॉर्मल वेक्टर होगा टू द प्लेन उसके साथ वो डायरेक्शन जो है वो क्या एंगल बना रही है। जो भी वेव इंसिडेंट वेव है वो हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन या नॉर्मल टू द बाउंड्री के साथ या इंटरफेस जो है बिटवीन द टू मीडियम उसके साथ क्या एंगल बना रही है। जैसे इस केस में आपके पास ये जो सरफेस है ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल है टू दैट बाउंड्री, तो ये इंसिडेंट वेव जो है वो आपके पास वो इसके साथ कोई सर्टन एंगल बना रही है। तो पिछले सेक्शन के अंदर हमने देखा था, ट्रीट की थी रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिशन को एट नॉर्मल इंसिडेंट। तो ये तब होता है जब आपके पास इनकमिंग वेव जो है वो आपके पास हेड ऑन प्लेन करती है टू द इंटरफेस। तो अगर आप मोर जनरल केस को देखें उसे ऑब्लिक इंसिडेंस है जिसमें हमारे पास इनकमिंग वेव जो है वो आपके पास बाउंड्री पे किसी आर्बिट्रेरी एंगल डेल्टा थीटा आई के ऊपर मीट करेगी। और ऑफ कोर्स नॉर्मल इंसिडेंस अगर आप देखें तो इस जनरल केस ऑब्लिक इंसिडेंस वाला इसका स्पेशल पार्ट होगा। ऑब्लिक इंसिडेंस जो है वो एक जनरल केस है और नॉर्मल इंसिडेंस का एक स्पेशल केस है। तो पहले नॉर्मल इंसिडेंस करने का मकसद ये है कि उसका मैथ थोड़ा सा ईजी है तो वो ज़्यादा आपका वार्म अप हो जाता है, आपको थोड़ा आसान हो जाता है। तो फिर उसके बाद इसका अलजेब्रा थोड़ा सा हैवी है तो वो थोड़ा सा आपके पास एक बेस बन जाती है, तो फिर आपके लिए ये करना आसान हो जाता है। अब इसी तरह हमने स्टार्ट उसी तरह करना है कि आपने मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव लेनी है। लेकिन इस केस में अब हमारे पास कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो कोई एक्स वाई जी डायरेक्शंस नहीं है, तो सिंपल हमने जब लिखी है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव की इक्वेशंस तो हमने उन्हें जनरली लिखा है के आई डॉट आर। उसमें हमारे पास ऐसा नहीं था, उस केस में हमारे पास जो है वो के वन जेड या के टू जेड की फॉर्म में लिख रहे थे क्योंकि वेव हमें पता था जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इसमें हमारे पास जब हमें डायरेक्शन नहीं पता तो हम लोग के डॉट आर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर मीडियम वन के वन, फॉर मीडियम टू के टू, सॉरी यहाँ पे हम ये भी नहीं स्पेसिफाई कर रहे के वन और के टू को भी नहीं कर रहे, बल्कि हम रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट तीनों वेव के लिए वेव वेक्टर अलहदा ले रहे हैं, के इंसिडेंट, के रिफ्लेक्टेड एंड के ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो हमारे पास के इंसिडेंट के लिए के आई, रिफ्लेक्टेड के लिए के आर, ट्रांसमिटेड के लिए के टी, और इसी तरह हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसमें भी के आई, के आर और के टी है, और स्पीड जो है वो हमारे पास मीडियम वन में वी वन है, मीडियम टू में वी टू है, ठीक है। तो पहले तो आई थिंक ये आपके पास इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट के लिए, रिफ्लेक्टिव एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंट जो आपके पास, अच्छा इसमें हमने कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइंस भी इंक्लूड नहीं किए क्योंकि हम उसे आर वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं। अभी हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है या वो किस डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम कोई भी साइन भी इंडिकेट नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। वो हम वर्कआउट करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि क्या डायरेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल अभी वेक्टर्स की फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने का मकसद ही अभी ये है कि हमारे पास जो है अभी हमें वर्कआउट करके हमें एग्जैक्टली एक जनरल केस, क्योंकि हम कर रहे हैं ना, तो अब आप जब साइन कर देते हैं तो आप स्पेसिफिक कंडीशन इम्पोज कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा नहीं होगा क्या होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें सिंपल जो है वो, इसीलिए हमने वेव वेक्टर भी हमने ये नहीं किया कि पहले मीडियम, जैसे उस केस में हमारे पास के वन होता था तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए माइनस के वन हो जाता था क्योंकि हमें पता होता था कि हमें जो है रिफ्लेक्टेड वेव एग्जैक्टली जो है वो इंसिडेंट के अपोजिट हो रही है। लेकिन इस केस में क्योंकि हम इस तरह की कोई कंडीशन नहीं क्लियर, तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्टेड के लिए पहले से ही हमने के आर ले लिए, के इंसिडेंट के फॉर्म में उसे लिया ही नहीं है क्योंकि हम जनरल केस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने उसे के आर ही ले लिया है ताकि हमें डायरेक्शन वाला इशू ही ना हो। पहले माइनस साइन जो है वो उस वजह से आ रहा था क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा था के वन के साथ जब वो रिफ्लेक्टेड वेव ले रहे थे। तो यहाँ तक एक ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने ये चीज़, हमें ये है कि ये तीनों वेव्स जैसे पहले केस में था अभी भी यही है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनकी सेम होगी, और क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स डिटरमिन करती है, चाहे वो फ्लैश लाइट हो चाहे कोई इंसिडेंट बीम हो, तो इसलिए हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वही रहेगी चाहे वो कोई भी मीडियम में से ट्रैवल करे। नॉन लीनियर मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है,
लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि लीनियर मीडिया की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग वहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेम ले रहे हैं। तो जो वेव नंबर्स हैं वो आपस में किस तरीके से एसोसिएटेड होंगे, क्योंकि ओमेगा सेम है तो इसलिए के आई वी आई के आर, अब ये वी वन है ठीक है क्योंकि मीडियम वन में है तो के आर वी वन, और मीडियम टू में ट्रांसमिटेड है तो के थ्री वी टू जो है वो ओमेगा के ही बराबर होगी। तो इसको आप अगेन, अच्छा ये वो वाला जो मैंने आई थिंक थर्ड लेक्चर में जो चीज़ मैंने ऑरली आपको बताने की कोशिश की थी वो ये वाली चीज़ यहाँ हुई हुई है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ से वी वन को अगर आप देखें तो ये दोनों साइड पे तो खैर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो वी टू ओवर वी वन आ जाएगा, और वी टू ओवर वी वन जो है यहाँ पे एन वन ओवर एन टू के बराबर है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे हमने पहले किया था हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी। अब बाउंड्री कंडीशन पहली वाली तो बात वही है कि हमारे पास हमें मीडियम वन में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड कंबाइन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ट्रांसमिटेड के बाद जो है ना वो आपके पास उसी तरह हो जाएंगी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट एंड मीडियम टू, ये तो हमें क्लियर है ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, ये जो ब्रैकेट में यूँ लिखने का मकसद ये है कि हमें ये नहीं क्लियर अभी, ये तो जब हम पूरा सॉल्व करेंगे जो भी फॉर्म बनेगी, पहले हम स्टार्ट से थोड़ी सी जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि जैसे ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेट करनी चाहिए। साथ इसके क्या आएगा वो अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ये इस तरीके से कोई टर्म होगी, फिर साथ ये एक्सपोनेंशियल वाला तो हो गई, प्लस फिर कोई टर्म होगी, फिर एक्सपोनेंशियल वाला रिफ्लेक्टेड का, फिर इक्वल टू, फिर कोई टर्म होगी और फिर ये, तो ये चीज़ इक्वेट होने का मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स हैं ये आपस में इक्वेट होनी चाहिए ठीक है। तो हमारे पास अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटिस करने के लिए वो है आपके पास कि जो x, y और t डिपेंडेंस हैं, क्योंकि आपके पास ये सारी जो डिपेंडेंस हैं, क्योंकि z तो हम ज़ीरो कर रहे हैं पुट ठीक है, तो x, y एंड t टाइम की जो डिपेंडेंस है वो इस सारी इस एक्सपोनेंट के अंदर आ रही है ठीक है। तो क्योंकि बाउंड्री कंडीशन को हर पॉइंट में इन द प्लेन जो है होल्ड करना चाहिए किसी भी टाइम पे, इस प्लेन में पूरे प्लेन में किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे अगर आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो उनको होल्ड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं किसी भी पॉइंट किसी भी टाइम के लिए अगर इनको होल्ड करना चाहिए तो इट्स मीन कि ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं इनको इक्वल होना चाहिए जब सेट ज़ीरो हो जाए ठीक है। अदरवाइज अ स्लाइट चेंज इन एस से वुड डिस्ट्रॉय द इक्वालिटी। तो अगर आप थोड़ा सा भी किसी एक में अगर इक्वेट ना करें तो अगर आपके पास ऐसा ना हो ऐसी कंडीशन ना हो तो फिर अगर आपके पास स्लाइट चेंज भी होगा लेसपोज मिसाल के तौर पर एक्स में या वाई में किसी में भी कोई स्लाइटली सा भी चेंज आएगा तो वो इक्वेलिटी है जो हम इक्वेलिटी पुट कर रहे हैं इसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर को तो इक्वल होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। डू यू कुड रिकॉर्ड दिस एज अ कन्फर्मेशन दैट ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेंसी मस्ट मैच द इंसिडेंट वन। तो आपके पास सॉरी पहली बात तो ये वाली कि और इस चीज़ को इन्होंने फिर उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम का रेफरेंस भी दिया है 9.16 जिसमें इन्होंने आपको कुछ 9.16 प्रॉब्लम है सपोज ए, फिर उन्होंने एक इसी तरह एक रिलेशन बनाया हुआ है जिसमें इस वाली जगह पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसकी जगह लिखा हुआ है ई ए रेस्कोबार एटा ए एक्स, यहाँ पे ई रेस्कोबार एटा बी एक्स और ई रेस्कोबार एटा सी एक्स। तो ए कैपिटल, अच्छा यहाँ पे जो है वो कैपिटल ए बी सी है और यहाँ एक्सपोनेंट में स्मॉल ए बी सी है। तो कैपिटल ए बी सी या स्मॉल ए बी सी इन्होंने कहा है कि ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इन्होंने कहा है कि सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड फॉर सम नॉन जीरो कांस्टेंट ए बी सी, कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी एंड फॉर ऑल एक्स, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। मतलब ये प्रूव करना है कि ये एक्सपोनेंट जो है वो आपस में बराबर हैं, जो सॉरी ये जो एक्सपोनेंशियल के आर्गूमेंट्स हैं ये आपस में बराबर हैं, और फिर उसकी वजह से जब वो बराबर हैं तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी के बराबर है ठीक है। तो ये इन्होंने इसके लिए इसलिए बताया कि यहाँ से अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ चाहिए तो आप वो 9.16 सॉल्व करेंगे तो आपको एक मैथमेटिकल प्रूफ मिल जाएगा कि वाकई ही इनको आपस में इक्वल होना चाहिए फॉर इस कंडीशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑफकोर्स द टाइम फैक्टर आर ऑलरेडी इक्वल, टाइम फैक्टर पहले ही इक्वल है, तो ये टाइम फैक्टर का इक्वल होना भी ये कंफर्मेशन कर रहा है कि ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनको इंसिडेंट वन के साथ मैच करना चाहिए। एज़ फॉर द स्पेशल टर्म, स्पेशल टर्म मतलब ये कि आपके पास जो स्पेस
स्पेशल स्पेशल टाइम मतलब SPATIAL स्पेशल टाइम मतलब स्पेस वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए आपके पास मतलब KI.R = KR.R = KT.R होना चाहिए जब Z = 0 हो। और मोर एक्सप्लिसिटली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको ओपन करें, ठीक है, ओपन आप इस तरीके से करें कि इन दोनों का डॉट, ठीक है, XKIX + YKIY, क्योंकि Z 0 है तो ऑब्वियसली जेड वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, फिर XKX इस तरह से ओपन कर दिए, तीनों के दो दो कंपोनेंट्स हो गए फॉर ऑल X एंड Y। तो लेकिन ये इक्वेशंस तभी आपस में मतलब ये वाली जो है होल्ड तभी करेगी अगर इनके कंपोनेंट सेपरेटली भी एक दूसरे के इक्वल हों। मतलब हम केसेस देख लेते हैं, सपोज अगर आप x को 0 कर लें तो y वाले तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, और अगर आप y को 0 कर लें तो x वाले तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वे मे एज वेल ओरिएंट आर एक्सिस, मतलब ये तो हमारे पास पर्टिकुलर है कि अगर आप x 0 कर लें तो, और अगर आप y 0 कर लें तो, वी मे एज वेल ओरिएंट आर एक्सिस सो दैट KI लाइज इन द एक्जैक्ट प्लेन। तो अगर हम लोग y को 0 करना चाहते हैं तो हम ये कह लेते हैं कि हमारा k इंसिडेंट जो है वो हमारे पास एक्जैक्ट प्लेन में है, तो ऑब्वियसली उसका जो इंसिडेंट का अगर हमारे पास k इंसिडेंट है, सपोज हमारे पास अगर एक्जैक्ट प्लेन में है तो उसका y कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो फिर जब उसका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो उसकी के इंसिडेंट क्योंकि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के बराबर है, तो फिर अगर उसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो अगर ये चीज़ 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब ये कि आप अगर इस और अगर आप इस वाले की बात इस वाले की और अगर आप इस वाले केस को देखें तो आप ये कह लें कि आपका जो KI है वो आपके पास वाई जेड प्लेन में है, तो जब वाई जेड प्लेन में होगा तो वहाँ पे एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जब एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये तीनों आपस में 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन ये हुई, अब यहाँ से कंक्लूड क्या किया हमने, कंक्लूड हमने ये किया कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर फॉर्म अ प्लेन, कि ये तीनों जो है ना वो आपस में एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और उस प्लेन के अंदर ही आपके पास जो है नॉर्मल टू द सरफेस, अगर हम जैसे यहाँ पे इस केस में हमने जेड एक्सिस के लॉन्ग लिया नॉर्मल टू द सरफेस, वो भी उसी प्लेन के अंदर आता है। मतलब एक प्लेन है जिसके अंदर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर्स भी आ रहे हैं, और उसी के अंदर जो है ना वो आपके पास नॉर्मल टू द सरफेस भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ तक ये बात हमारे पास क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब हमें ये देखना है कि अगर लेट्स सपोज अभी फ़िलहाल हम लोग ये इस वाली चीज़ को देख लिए थे, हमने स्पेसिफिक केसेस देख लिए थे ना, अगर हम लोग जनरली अगर हम ये देखें कि अभी ये के आई वेव वेक्टर है और ये हमारे पास नॉर्मल के साथ जो है वो कोई थीटा आई एंगल बना रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो मेरे पास ये जो है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है और ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट है और ये z एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर हम इस वाली चीज़ को देखूँ KIX = KRX = KTX, तीनों के x कंपोनेंट देखूँ जो ये वाले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ रहे हैं, KI साइन थीटा है ये KR साइन थीटा है, ये KT साइन थीटा है, तो तीनों के x कंपोनेंट इस तरीके से आपस में इक्वेट कर रहे हैं। तो आपके पास थीटा आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, थीटा टी एंगल ऑफ ट्रांसमिशन है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ये इन तीनों को किसके रिस्पेक्ट से मेजर किया गया, इसको नॉर्मल इंसिडेंस जो है ना टू द बाउंड्री उसके रिस्पेक्ट से मेजर किया गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इन जो है वो हमारे पास अच्छा जो हमने पहला लॉ कंक्लूड किया था वो इससे किया था हमने कि हमने ये कहा था कि ये जो वाली जो कंडीशन है कब सिर्फ होल्ड करेगी अगर इसके कंपोनेंट सेपरेटली एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब अगर x 0 है तो के y कंपोनेंट्स आपस में तीनों के बराबर हो जाएंगे, अगर y 0 है तो तीनों के x कंपोनेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, और अगर हम अपना एक्सिस को इस तरीके से रखें कि जो हमारा KI है वो हमारा x z प्लेन में हो तो हमारा उस पर KI का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा और उसकी वजह से KR भी 0 हो जाएगा एंड KT भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये कंक्लूड किया
कि हमारे पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर एक प्लेन बनाएंगे जिसके अंदर इंसिडेंस भी आ रहा होगा, ठीक है। ओके अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये किस तरीके से हमारा फर्स्ट लॉ कंक्लूड हुआ। इधर से फर्स्ट लॉ इस तरीके से कंक्लूड हुआ कि जब हमारे पास, हमने ये कहा कि के आई वेक्टर जो है वो हमारा लाई कर रहा है एक्सैक्ट प्लेन में और उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो है, और हमने कहा जब उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास आर का भी वाई कंपोनेंट ज़ीरो है, के आर का भी और के टी का भी वाई कंपोनेंट ज़ीरो है। अगर के आर का भी वाई कंपोनेंट ज़ीरो है, के टी का भी वाई कंपोनेंट ज़ीरो है, तो इट्स मीन कि वो भी एक्स जेड प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के आई, के आर और के टी तीनों जो है वो हमारे पास एक्स जेड प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप दूसरा वाला केस ले लें कि ये के आई जो है वो हमारे पास वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा हो, तो अगर आप वो वाई जेड प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर उसका एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा तो के आर का भी एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा, के टी का भी एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है के आर और के टी भी आपके पास वाई जेड प्लेन में ही लाई कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात? तो नॉर्मल तो ऑलरेडी जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो वो भी उसी प्लेन में आ जाएगा। तो यहाँ से इसलिए ये कंक्लूड हो रहा है कि क्यों ये तीनों जो है वो एक एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अच्छा ओके, फिर सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास हमें क्या बताता है। सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, जैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास अगर ये दोनों हम बराबर ले रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ले रहे हैं, तो हमारे पास जो है साइन थीटा आई और साइन थीटा आर जो है वो आपस में हो गए बराबर। तो साइन थीटा आर की जगह आप सिंपल साइन थीटा आई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइन थीटा आई से दोनों साइड पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के टी साइन थीटा टी डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पर के पे आ जाता है कि के आई आर ले रहे हैं या के आर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम लोग थीटा आई को थीटा आर के बराबर ले रहे हैं तो वो हमारे पास ना, हम पहले ये वाली बात देख चुके हैं कि के आई जो है वो के आर के बराबर है, हम पहले यहाँ पे देख चुके हैं ये वाला, ये चीज़ हमने यहाँ से कंक्लूड कर ली थी, क्योंकि स्पीड से मैग्नीट्यूड्स जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हैं, के आई जो है वो के आर के बराबर है। तो यहाँ से जब के आई के आर के बराबर है तो वो वैसे ही यहाँ से कैंसिल हो गया। तो उससे साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर बराबर होने का यही मकसद है ना, कि दोनों के एंगल्स बराबर है, थीटा आई थीटा आर के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से सेकंड लॉ आ गया कि वो किस तरीके से आपस में बराबर है। फिर आपने साइन थीटा आई और साइन थीटा आर, ऑब्वियसली वो दोनों बराबर है तो आप थीटा आई ले लें, तो साइन थीटा आई से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास आ जाएगा के टी साइन थीटा टी ओवर साइन थीटा आई। तो आपके पास एक और जो हम लोग पीछे इक्वेशंस देख चुके हैं, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, ये वाली चीज़ हमने देखी थी कि के आई जो है वो किसके बराबर है। अब के आई और के आर अगर एक दूसरे के बराबर हैं, और अगर आप ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप फ़िलहाल देखें, अगर आप तीनों चीज़ों को बराबर लेंगे तो तभी, या फिर अभी आप देखें तीनों को बराबर ऐसे तो नहीं लेंगे, या आप इन दोनों को बराबर लें या आप इन दोनों को बराबर लें। अगर इन दोनों को बराबर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, थीटा आई थीटा आर के बराबर आ जाएगा, वहाँ से सेकंड लॉ आ जाएगा। तो अगर आप थर्ड लॉ ले रहे हैं तो आप इन दोनों या इन दोनों, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड को बराबर ले रहे हैं तो आप फर्स्ट थर्ड को बराबर ले लें, ठीक है। फर्स्ट थर्ड को बराबर ले लें, साइन ऑफ थीटा आई को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास के आई और के टी बच जाएगा। तो के आई जो है वो के टी से किससे रिलेटेड है ये हम पहले देख चुके हैं, तो के आई की जगह आप ये पुट कर दें तो आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा। अगेन मैं बता रही हूँ, सेकंड लॉ के लिए हमने इन दोनों को इक्वेट किया और थर्ड लॉ के लिए हमने इन दोनों को इक्वेट किया। जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो हमने कहा कि के आई के आर के बराबर है, साइन थीटा वन अगर साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर है तो इसका मतलब है थीटा आई थीटा आर के बराबर है। तो थर्ड लॉ के लिए हमने इन दोनों को इक्वेट किया, हमने कहा कि के आई बराबर है एन वन अगर एन टू के टी, के टी के टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा साइन, और यहाँ से सिंपल आपके पास साइन थीटा
टी ओवर साइन थीटा आई की वैल्यू एन टू एन वन ओवर एन टू, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थर्ड लॉ आपके पास आ गया, स्नेल्स लॉ। तो ये फंडामेंटल लॉ है ज्योमेट्री के। तो ये बड़ा अमेजिंग चीज़ आ गई हमारे पास कि किस तरीके से हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोडायनामिक्स से हम लोगों ने ये ज्योमेट्रिक और ऑप्टिक के लॉज डिराइव कर लिए। लेकिन अभी हमें जो है बाकी बाउंड्री कंडीशंस भी देखनी है, जो कि हमने अभी तो एक जनरल केस देखा था। देयरफॉर इन जनरल केस से हमने तीन लॉज डिराइव कर लिए। देयरफॉर एनी अदर वेव्स, वाटर वेव और इंसिडेंट साउंड वेव कैन एक्सपेक्टेड टू ओबे द सेम ऑप्टिकल लॉ व्हेन दे पास फ्रॉम। तो इसलिए कोई भी और वेव, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास वाटर वेव हो, क्योंकि अभी हमने जनरल लिया ना, अभी हमने इसमें कुछ स्पेसिफाई तो नहीं किया था कि ये लाइट के लिए ही है, या इसमें ना हमने कोई मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई किए, तो फिर भी हमारे पास ये लॉज आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर आप स्पेसिफिक किसी लाइट वगैरह के लिए ही नहीं आपसे स्पेसिफाई कर सकते, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एनी अदर वेव, जैसे वाटर वेव हो गई या साउंड वेव हो गई, तो वो भी यही लॉ, उनको भी यही लॉ फॉलो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी यही ऑप्टिकल लॉ फॉलो करते हैं जो लाइट के लिए। ठीक है, लाइट के लिए ऑब्वियसली तभी ऑप्टिकल है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। अब जो है कि हमने एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हमने देख लिया कि वो तो बराबर हो रहे हैं और वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हमने स्टार्ट में लिखी थी वो किस तरीके से हो जाएंगी। पहले अगेन हम बाउंड्री कंडीशन को थोड़ा सा जनरलाइज ही लिख रहे हैं। अब ये वाली बाउंड्री कंडीशन अगर मैं आपको बताऊँ जो मैंने स्टार्ट में बताई थी आपको, है वो तो दूसरे वाले पेज पे, ओके। लेकिन उसमें हमारे पास था ई वन एप्सिलॉन वन, ई वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू, ई टू परपेंडिकुलर। तो इसमें हमने ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे आपके पास इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड का सम होगा, राइट साइड पे ट्रांसमिटेड होगी। तो जेड का मतलब ये है आपके पास कि क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन है तो इनके जेड कंपोनेंट्स। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी आप जो ई बी वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी टू परपेंडिकुलर में आप जेड कंपोनेंट्स लेंगे, और जो पैरेलल वाले हैं उनमें आप पैरेलल में, क्योंकि एक्स वाई दोनों हो सकते हैं कोई भी, क्योंकि बाउंड्री के एक्स वाई डायरेक्शन में बाउंड्री है तो बाउंड्री के पैरेलल एक्स भी होगा और वाई भी होगा, तो इसलिए हमने एक्स वाई दोनों कंपोनेंट्स ले लिए, जनरल अभी लिखा है, अभी हम आगे जाके देखेंगे ये क्या है। तो जो हमारे पास बी नॉट है वो हमें पता है कि वो हमारे पास वन ओवर बी इन टू के क्रॉस ई इन ईच केस। तो जो दो लास्ट पेयर ऑफ इक्वेशन है वो एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट, वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई, एक्स एंड वाई मतलब एक एक्स के लिए होगी और एक वाई होगी। अच्छा, अब आगे फर्दर भी एक केस आ जाता है। अब दूसरा केस ये आ जाता है कि अब आप जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ले रहे हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले रहे हैं तो वो आप क्या ले रहे हैं। अगर तो आप प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को पैरेलल ले रहे हैं टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंस का प्लेन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंसिडेंट वेव है वो कोई एंगल बना रही है विद द नॉर्मल, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और उसका जो प्लेन है जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव जो प्लेन बना रही है जिसे हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इस हमारी डायग्राम में, वो जो है वो एक्जैक्ट प्लेन बन रहा है। ठीक है, तो एक्जैक्ट प्लेन जो हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, अगर उसके पैरेलल ही एक्जैक्ट प्लेन के अंदर ही उसी के पैरेलल अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन हो, एक वो केस होता है और एक केस होता है कि अगर उसके परपेंडिकुलर हो। तो उस ये वाली जो हमारे पास टॉपिक है इसमें पैरेलल ली हुई है और परपेंडिकुलर के लिए उन्होंने जो है वो आई थिंक 9.17 प्रॉब्लम आपको बताया है। तो इसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो परपेंडिकुलर पैरेलल लिया हुआ है और उसके लिए उन्होंने 9.15 प्रॉब्लम का रेफरेंस दिया है, और जो 9.15 प्रॉब्लम है उसमें इन्होंने कहा हुआ इन राइटिंग इक्वेशन 9.76 एंड 9.77 जो है वो आपके पास है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस के। तो उन्होंने कहा है कि उसके लिए जब उन्होंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स लिखी थी तो उसमें इन्होंने रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव की जो पोलराइजेशन है वो हम उन्होंने वही ली जो इंसिडेंट की थी, मतलब एक्स डायरेक्शन ही थी उस केस में रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिशन की अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन। प्रूव दैट दिस मस्ट बी सो, हमने ये प्रूव करना है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए था। अब देखें यहाँ से आपको ये वाला प्रॉब्लम करने से आपको ये चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा कि आपके पास पोलराइजेशन की रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की भी वही डायरेक्शन होनी चाहिए, अगर कि हमने तो ले ली ना कि वो एक्स ही है, लेकिन वो एक्स ही होनी चाहिए
अगर आप देखें तो आप जब वो रिफ्लेक्ट करती है, जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो उसमें उसकी डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि वो चेंज भी हो जाए, लेकिन वो चेंज नहीं होती, उसका प्रूफ जो है ना आपको ये प्रॉब्लम करने से मिल जाएगा। ठीक है, लेट द पोलराइजेशन वैक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स भी, तो इसमें रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के जो पोलराइजेशन वैक्टर्स हैं वो इन्होंने एक्स वाई प्लेन में लिए थे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में लिए थे इन्होंने पोलराइजेशन वैक्टर्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव एन टी एन एन आर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें जो हमारे पास जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था, ठीक है, वो हमारे पास पैरेलल था, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो पैरेलल ही था प्लेन ऑफ इंसिडेंस। खैर, प्रॉब्लम 9.15 का जो मेन फोकस था वो ये था, जिस केस में हमारे पास तो लिया तो खैर हमने वही था प्लेन, उसमें भी हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन थी वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल ही थी, लेकिन उसमें हमारे पास ये हमने प्रूव किया था कि रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड को भी उसी प्लेन के अंदर पोलराइज होना चाहिए जिसमें इंसिडेंट वेव पोलराइज थी। ठीक है, जिस प्लेन में इंसिडेंट वेव थी, द पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस एक्स जेड, इट फॉलोज सी प्रॉब्लम 9.15 दैट द रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव आल्सो पोलराइज इन दिस प्लेन। तो और ये चेक करने के लिए कि आपके पास रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव का भी आपके पास पोलराइजेशन की जो प्लेन है वो वही होना चाहिए, उसी प्लेन में होना चाहिए जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस था फॉर अ इंसिडेंट वेव, तो वो उस वाले प्रॉब्लम में क्लियर हो जाता है कि क्यों आपके पास रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड का भी उसी प्लेन में होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आई शैल लीव इट फॉर यू टू एनालाइज द केस ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये आपने प्रॉब्लम करना है 9.17। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन को लेके पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस मतलब एक्स जेड प्लेन में लेके अब उसे सॉल्व करते हैं। जब एक्स जेड प्लेन में हमने लेके उसे सॉल्व किया तो अपनी बुक में देखना उसमें ज़्यादा अच्छी फिगर बनी हुई है, मैंने पता नहीं ट्राई तो किए लेकिन कोई इतनी अच्छी फिगर नहीं बनी, और अपनी बुक को लेके देखें तो मैं आपको उसमें से सही तरीके से समझा देती हूँ। अच्छा, तो उसमें हमारे पास ये है कि जब पहली बाउंड्री कंडीशन आप लगाएंगे तो ई एप्सिलॉन वन ई वन परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन टू ई टू परपेंडिकुलर वाली, तो ई वन में क्योंकि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड दोनों आ जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड जो ई हैं उनकी क्या डायरेक्शन मतलब उनके कंपोनेंट्स लेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखें अगर तो आप जो बुक में आपके जो वेक्टर्स बने हुए हैं आपने उनको फोकस करना है, क्योंकि ई जो है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर है तो ऑब्वियसली ई का कंपोनेंट जो है वो एक्स एंड जेड ही होंगे, तो हमें जेड वाला जो है कंपोनेंट चाहिए जो कि परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री है। तो जेड वाला जो कंपोनेंट अगर आप देखें ई इंसिडेंट के लिए अगर आप देखें तो ये जो ई इंसिडेंट है अगर आप इसको रिजॉल्व करें एक इसका अपर डायरेक्शन में ऊपर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक इसका ये वाला कंपोनेंट मतलब नेगेटिव जेड में बनेगा। रिफ्लेक्टेड जो है जो कि उन्होंने इस तरीके से ड्रॉ की हुई है इसका एक ये कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में बनेगा मतलब पॉजिटिव जेड में, और ये वाली जो हमारे पास ट्रांसमिटेड वाली इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे इसका एक्स और एक इसका भी नेगेटिव जेड में, तो जो आपके पास इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड है दोनों के एक जेड वाले कंपोनेंट ओपोजिट नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है और जो रिफ्लेक्टेड वाला है उसका अपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड के साथ माइनस साइन आया है, ई नॉट आए साइन थीटा, और साइन थीटा भी इसीलिए आया है क्योंकि थीटा के ओपोजिट वाला कंपोनेंट है जेड, तो आपके पास इसलिए माइनस आया और इसके साथ प्लस आया। पैरेलल वाले में जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास सॉरी ज़ीरो नहीं होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स जेड प्लेन में है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली वाई एक्सिस के लॉन्ग ही होगी, तो अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका कोई कंपोनेंट जो है वो जेड डायरेक्शन में तो होगा नहीं, तो इसलिए उसका कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी वाला जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है बी वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी टू परपेंडिकुलर वो हमारे पास जीरो हो जाएगी दोनों साइड पे। फिर उसके बाद थर्ड बाउंड्री कंडीशन ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल वाली, उसमें पैरेलल कंपोनेंट्स देखने मतलब इस एक्जैक्ट प्लेन के पैरेलल सॉरी एक्जैक्ट नहीं बाउंड्री के पैरेलल,
बाउंड्री के पैरेलल जो है बाउंड्री, क्योंकि हम हमारे पास जो है वो ये इस वाले में एक्स वाई प्लेन है, तो उसके पैरेलल जो है वो एक्स वाले कंपोनेंट होंगे। तो ये वाला एक्स कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, ये वाला भी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, और ये वाला भी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो ये इसलिए दोनों के साथ ई आर कॉस थीटा आर प्लस ई आई कॉस थीटा आई और ई टी कॉस थीटा टी। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ वाला है उसमें हमारे पास है वन ओवर म्यू वन, ये वाली कंडीशन है हमारे पास, ये वाली। अब इसमें आप देख लें फोर्थ वन में आप देख लें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड तो है ही वाई एक्सेस के अलावा, तो वो तो है ही, उसका तो एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं क्योंकि वो एक्स जेड प्लेन में है ही नहीं, वो तो परपेंडिकुलर है टू द एक्स जेड प्लेन, क्योंकि एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसका जो है उसके साथ भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा, वो सिंपल आपके पास के क्रॉस ई के हिसाब से आ जाएगी। अब आपके पास लेट्स सपोज अगर आप इंसिडेंट की बात करें हैं और उसका के एंड देन उसका फिर ई, जो भी आपके पास इंसिडेंट का ई नॉट आई है उसकी आप डायरेक्शन ले लें, एंड देन फिर उस हिसाब से आप इंसिडेंट और फिर रिफ्लेक्टेड एंड फिर ट्रांसमिटेड के हिसाब से बात कर लें। तो अगर आप ज़्यादा डायग्राम वाली साइड पर जाना चाहते हैं तो आपकी बुक में जो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन बनी हुई है आप उनको देख लें, और वैसे अगर आप इसको निकाल भी सकते हैं मैं आपको इस बता भी देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये डायरेक्शन है और ये वाली ये डायरेक्शन है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप के क्रॉस ई लेंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाई अपवर्ड आउट ऑफ द पेज होनी चाहिए। अब इस केस में अगर आप के ए है और ई जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है, तो जब ऑब्वियसली आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आप बाय राइट हैंड रूल आप इसे सॉल्व करना है, तो आप इन टू द पेज नेगेटिव हो जाएगी रिफ्लेक्टेड के लिए। फिर यहाँ पे ट्रांसमिटेड के लिए अगेन आप के इस डायरेक्शन में ई इस डायरेक्शन में राइट हैंड रूल से करेंगे तो आउट ऑफ द पेज पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में आएगी, तो वहाँ से आप फाइंड कर लें अगर आपको कोई लंबा वाला काम नहीं करना। इंसिडेंट पॉजिटिव, रिफ्लेक्टेड नेगेटिव एंड ट्रांसमिटेड पॉजिटिव। तो ये यहाँ से वैसे मैंने एक तरीक बताया हुआ है कि अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं इस तरह, तो अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो इस तरीके से आ जाते हैं मैग्नीट्यूड वी नॉट ई नॉट वी के बराबर, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस भी मैंने आपको बता दिए हैं कि वो ये तो मैग्नीट्यूड्स की बात करें लेकिन हम तो वैक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाएंगे। फिर म्यू वन वी वन को इधर ले गए, अब हमने यहाँ पे बीटा जो जैसे हमने पहले डिफाइन किया था वैसा ही बीटा यहाँ पे दोबारा आ गया, तो ये बीटा के फॉर्म में लिख दी हमने इक्वेशन। तो जो पहली वाली इक्वेशन थी कॉज वाली, सेकंड वाली बोलकर इक्वेशन है, जो कॉज वाली थी इसमें हम लोगों ने क्योंकि थीटा आई थीटा आर के बराबर है, तो आप कोई भी दो ले लें आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, सॉरी थीटा आई थीटा आर के बराबर है, सॉरी परफेक्ट हाँ ओके। तो आप थीटा कॉस थीटा आई से डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा ई नॉट आई, बस देखिए इसके बराबर है ना, थीटा आई थीटा आर के बराबर है, तो कॉस थीटा आई से डिवाइड कर दें तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी। तो ये कॉस थीटा टी और कॉस थीटा आई को इन्होंने अल्फा के बराबर ले लिया, तो यहाँ से फिर ये दो इक्वेशंस आ गई, एक अल्फा के फॉर्म में आ जाएगी और एक ये वाली जो बीटा के फॉर्म में। तो इस अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन को हमने रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड के लिए इसे सॉल्व कर लेना है। अब इसे स्लो डाउन करके देख लें, सिंपल सा मैथ है, इसे सॉल्व करके रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड इन टर्म ऑफ इंसिडेंट फाइंड कर लिए। ये है हमारे पास फ्रेसनल्स इक्वेशंस। ठीक है, तो आपके पास ये किस केस के लिए पर्सनल इक्वेशंस आई हैं? पर्सनल इक्वेशन फॉर द केस ऑफ पोलराइजेशन इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। देयर आर टू अदर पर्सनल इक्वेशन गिविंग द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड व्हेन द पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। टू पर्सनल इक्वेशन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी हैं जब आप प्लेन ऑफ इंसिडेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज कर लेते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर खुद ट्राई करें, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं आपको करा दूँगी 9.1 से। ये आपने नोट करना है कि ट्रांसमिटेड वेव जो है वो हमेशा इन फेज होती है विद द इंसिडेंट वन।
रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन फेज होगी या नहीं होगी, ये इस पे डिपेंड करता है इस इक्वेशन से कि अल्फ़ा ग्रेटर देन बी है या अल्फ़ा लेस देन बी। अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन बी है तो इन फेज होगी, और अल्फ़ा लेस देन बी है तो आउट ऑफ फेज हो जाएगी। देर इज एन एम्बिग्युटी इन द फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव सिंस आई मेंशन्ड इन द फोर्थ नोट टू इक्वेशन 9.36 चेंजिंग द साइन ऑफ पोलराइजेशन फैक्टर इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री फेज शिफ्ट। चेंज इन द साइन ऑफ पोलराइजेशन फैक्टर, पोलराइजेशन वैक्टर का साइन चेंज करना। द कन्वेंशन आई अडोप्टेड इन फिगर 9.15, इसमें कन्वेंशन दी है कि सिंस विद ई आर पॉजिटिव अपवर्ड इज कंसिस्टेंट विद सम बट नॉट ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑप्टिक टेक्स्ट। ई आर अपवर्ड वो पॉजिटिव लिया, ग्रेट। ओके, आगे हमारे पास कुछ थोड़ा सा मैथ है। ओहो बट ब्लर पेज, लेकिन खैर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर थी। अब यहाँ पे सिंपल सा मैथ है, कॉस थीटा जो है वो स्केयर रूट ऑफ 1 - sin² के बराबर है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ पुट कर ली। एंड देन फिर उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ जो यूज़ किया था वो हमने यहाँ पे पुट किया, स्नेल्स लॉ को पुट किया, साइन थीटा टी की वैल्यू निकाल के वो यहाँ पे पुट की, एंड देन फिर उससे हमारे पास एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो तो हमने कहा ना ब्लीक इंसिडेंस तो एक स्पेशल केस है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो मतलब थीटा आई जो है वो ज़ीरो हो, तो थीटा आई को अगर आप ज़ीरो ले लेते हैं तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो हो जाता है और कॉस ज़ीरो जो है वन हो जाता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो अल्फ़ा जब 1 हो जाएगा तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अल्फ़ा की जगह जब 1 आएगा तो ये वही बन जाएगी जो कि हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस वाली इक्वेशन है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा और सारी की सारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब हमारे पास डाइवर्जेंस हो जाएगी, अल्फ़ा डाइवर्ज कर जाएगा और सारी की सारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पर आप देख लें अल्फ़ा ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्यों गलती पुट कर दी है, थोड़ी सी आई थिंक ये एक मिनट, यहाँ ने मैंने लिखा ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है। यहाँ पर अगर हमने कहा था कि अल्फ़ा अगर डाइवर्ज कर जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट आर, इसमें तो मेरे पास आसान हो जाएगा, पता है क्या करूँगी मैं अल्फ़ा को डिवाइड कर दूंगी ऊपर नीचे, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा ओवर अल्फ़ा, बीटा ओवर अल्फ़ा, तो बीटा ओवर अल्फ़ा 0, बीटा ओवर अल्फ़ा 0, 1/∞ 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब वेट, नहीं इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम ये वाला लें ट्रांसमिटेड वाला, तो अगर अल्फ़ा जो है वो हमारे पास डाइवर्ज कर जाए, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है, ये वाली जो इक्वेशन है ये ट्रांसमिटेड की इक्वेशन है, ट्रांसमिशन जो है वो 0। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रांस अल्फ़ा अगर डाइवर्ज कर जाए तो ये पूरी चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी, और ये जो है हमारे पास अगर वो 0 हो जाएगी, ओके परफेक्ट, तो फिर हम लोगों के पास इन्फिनिटी अपने पुट नहीं करना, अल्फ़ा से डिवाइड कर देना है, तो ये 1 हो जाएगा, बीटा ओवर अल्फ़ा दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दें तो माइनस आ जाएगा, माइनस ई नॉट आई। इसका मतलब आपके पास जो इसका जुगाड़ है वो ये कि आपके पास बीटा ओवर अल्फ़ा कैंसिल आउट कर दें और माइनस ई नॉट आई आ जाएगा, मतलब जितनी भी रिफ्लेक्टेड वेव है वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो, सॉरी जो भी इंसिडेंट वेव है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास जो है वो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो माइनस ई नॉट आई, ठीक है।
वेव इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड। और ये वाली ट्रांसमिशन कैसे जीरो होगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगी, ट्रांसमिशन जीरो हो जाएगी, तो सारी की सारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इन्होंने इसकी एग्जांपल बताई भी है कि अगर आपके पास आप रात को गाड़ी चला रहे हैं और वेट रोड है, तो उस केस में इस तरीके से होता है कि ऑब्लिक इंसिडेंस होती है जब आपके पास वेट रोड के ऊपर जो आपके पास पानी हुआ होता है उसके ऊपर जब एक वैक्यूम से मतलब सॉरी एयर से होती हुई वेव जो है ना वो जब जाती है पानी की सरफेस के ऊपर या पानी की सरफेस से होती हुई रोड की तक जाए। दोनों तीन चीज़ें हो सकती हैं, एयर से पानी की तरफ भी हो सकता है, पानी से रोड की तरफ भी हो सकता है। ऑब्लीक इंसिडेंस है, सपोज अगर हम एयर से पानी की तरफ जाते हुए देखें तो ऑब्लीक इंसिडेंस कोई भी एंगल अगर है तो उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम वेट रोड पे जो हमारे पास लाइट इंसिडेंट करती है वो 90 डिग्री के एंगल पे अगर करती है तो उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा पानी के केस में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पान उस पर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर करती है, तो इसलिए सारी की सारी वेव जो है वो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ट्रांसमिट नहीं होती, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक और एंगल भी होता है इंटरमीडिएट, 0 और 90 के बीच में एक होता है जिसे ब्रेस्टल एंगल कहते हैं। उस एंगल के ऊपर जो है ना बेसिकली ये मैंने किया हुआ है जिसके उस एंगल के ऊपर रिफ्लेक्शन जो है वो सारी ज़ीरो हो जाती है और आपके पास सारी की सारी वेव जो है वो ट्रांसमिट कर जाती है। मतलब उसमें एक्चुअली ये हो रहा होता है कि उसमें हमारे पास अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर हो रहा होता है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाती है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो तो ज़ीरो होगी और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है, 2-2 से कैंसिल, तो सारी की सारी इंसिडेंट वेव जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो उसे हम ब्रेस्टल एंगल कहते हैं, 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमने अल्फ़ा फाइंड किया था ये वाला, इसको अगर हम बीटा के बराबर ले लें और फिर यहाँ पे हम लोग इधर से आ जाएं आप, तो भी इसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बीटा के बराबर ले लें एंड देन फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ये मैंने सॉल्व किया हुआ, अब इसे सॉल्व करें एंड देन सॉल्व करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। थीटा उस वक्त थीटा भी होगा, ब्रेस्टल एंगल तब ये बराबर होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर जैसे हमने मैंने पहले डिफाइन किया कि अगर टिपिकल केस अगर μ1 को μ2 के बराबर ले लें तो बीटा जो है वो N2 ओवर N1 के बराबर हो जाएगा, वन ओवर बीटा स्केयर N1 स्केयर ओवर N2 स्केयर। ये वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास साइन स्केयर ऑफ थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर, और फिर उसके बाद आप साइन थीटा बी फिर लेना है तो आप दोनों साइड पे स्केयर रूट लेना है और यहाँ से फिर आप 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा पुट करके इस वाले फार्मूले में यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, दोनों को आप उसमें डिवाइड कर लें और आपके पास फिर थीटा बी टेन थीटा बी आ जाएगा। टेन थीटा बी जब दोनों को डिवाइड किया तो वो यहाँ पे आपके पास बीटा के बराबर आया, और ये भी मैंने बता दिया है कि बीटा जो है वो इसके बराबर है μ1 μ2 के बराबर है, तो यहाँ से टेन थीटा बी जो है वो N2 ओवर N1, क्योंकि बीटा इसके बराबर था और यहाँ से इसके बराबर आ गया। ये इक्वेशंस मैंने सारा मैथ किया हुआ सॉल्व। अब ये ग्राफ्स मैं आपको समझा देती हूँ, इन ग्राफ्स के अंदर अच्छा आपके पास जो ये इक्वेशन फिगर जो है आपको जो शो की गई है ये रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, इंसिडेंट एंगल के फंक्शन के तौर पर समझोगे कि किस तरीके से इंसिडेंट एंगल चेंज होने से आपके पास रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा जो है वो थीटा इंसिडेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो आपके पास इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ग्लास और एयर का इंटरफेस है, ग्लास जो है वो 1.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का 1 है, ठीक है, तो वहाँ उसके लिए ये ग्राफ बनाया मैं, रेशियो लिए मैं रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट की एम्पलीट्यूड की रेशियो ली है, ठीक है। नेगेटिव नंबर इंडिकेट कर रहा है जब वेव जो है वो आउट ऑफ फेस हो विद द इंसिडेंट बीम, और एम्पलीट्यूड इटसेल्फ जो है वो आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है जब आपके पास वेव 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो। तो इस केस में अगर आप देखें तो एंगल स्टार्ट में ज़ीरो है, ठीक है, उस वक्त आपके पास जो है
जैसे हमने पहले निकाली थी, आप निकाल के देख रहे हैं जब एंगल ज़ीरो होता है, जब हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन जो है वो 1 ले लें, एन टू 1.5 ले लें, उस वक्त रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कितने के बराबर आती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आप, क्योंकि इट्स सेल्फ जो है वो आपके पास एम्पलीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इनका सम आप देखें 1 के बराबर ही बनता है अगर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करें। नेगेटिव साइन सिर्फ इन्होंने आउट ऑफ फेज के लिए बताया हुआ। जो जो आपने थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ किया और थीटा बी तक आए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, जो आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है, मतलब अगर आप उस हिसाब से देखें तो आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, मतलब ज़ीरो की तरफ आ रही है रिफ्लेक्शन वाला। और फिर उसके बाद जब रिफ्लेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है तो ये वो ब्रिस्टर एंगल है। फिर उसके बाद फर्दर आपने इंक्रीज़ किया एंगल, तो एक पॉइंट आया जब ये दोनों जो है वो बराबर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर से ये बढ़ना शुरू होगी और ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या बिहेवियर है जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं एयर एंड ग्लास इंटरफेस के बीच में, ठीक है। लेकिन हर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो जो इनका सम होगा वो आपके पास बराबर ही होगा। मतलब सॉरी, बराबर नहीं होगा, अगर इनके सम को मैं देखूँ तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट। अच्छा सॉरी, ये टी और आर तो नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है, वो वाली बात, टी और आर तो नहीं है, इनका सम बन के बराबर होने ज़रूरी तो नहीं है, ये तो सिंपल रेशोज़ हैं रिफ्लेक्शन रेशो और ट्रांसमिटेड की, परफेक्ट, ठीक है, ये तो सिंपल रेशोज़ हैं, इनका सम का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, और वो तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशेंट्स के लिए, आई एम सॉरी वो वाली चीज़ नहीं है, तभी मैं कहूँ कि ये तो हर पॉइंट पर सम इनका वन तो नहीं हो रहा। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि किस तरीके से पहले वो आउट ऑफ फेज था, फिर यहाँ तक वो ज़ीरो पे आया, पहले फेज चेंज हो, यहाँ से यहाँ तक वो आउट ऑफ फेज ही रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ से वो इन फेज हो जाएगा और रिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है ट्रांसमिशन कम हो, ठीक है, मतलब उनकी रेशियोज़ कम हो रही हैं एम्पलीट्यूड्स की। तो पावर पर यूनिट एरिया स्ट्राइकिंग द इंटरफेस, तो पावर अगर आपने फाइंड करनी है, पावर पर यूनिट एरिया जो कि इंटेंसिटी है, और वो आप कैसे फाइंड करते हैं, वो आप वैसे तो एवरेज एस से फाइंड करते हैं ना, तो एस जो है हमने इस केस में हमें ये देखना है कि पावर स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया टू द इंटरफेस, इंटरफेस की डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमने एस का डॉट लेना है विद जेड, क्योंकि हम जेड एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, तो एस का विद जेड, ठीक है, तो जेड के साथ जो है वो हमने उसका एंगल देख लेना है। तो वैसे हमारे पास होता है 1/2 एप्सिलॉन वी और ई, तो यहाँ पे हमारे पास जेड एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है वो थीटा आई है फॉर अ इंसिडेंट, थीटा आर है फॉर अ रिफ्लेक्टेड, और थीटा टी है फॉर ट्रांसमिटेड, तो उस हिसाब से हमारे पास ये आ जाएंगे तीन। तो इनकी रेशियो एक्चुअली आप जब फाइंड करेंगे तो वहाँ से आपके पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशेंट्स आएंगे, जो कि इस केस में इसके बराबर है, देख लें आप, और थीटा आई थीटा आर के बराबर है, तो इसलिए ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये आपके पास जो है वो अल्फ़ा है और ये जो है वो 2/α+β, तो ये आ गया आपके पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशेंट फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। द कोसाइंस आर देयर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया of interface and the interface it has angle to the wavefront. The reflection and transmission coefficient of wave polarized parallel to the plane of incident are these. They are plotted as a function of angle of incident in figure 9.17. ये कुछ मैंने math करने की कोशिश की है, पता नहीं पीछे किसी चीज़ से associated हुआ। ये आप देख लीजिएगा, आई थिंक किसी इक्वेशन के साथ ही एसोसिएटेड होगा, तभी मैंने किया है, कुछ निकालने की कोशिश की है।
तो मैंने ग्राफ जो है वो मैंने प्लॉट नहीं किया, आप अपने उसमें देख लीजिएगा, उसमें आपको जो मैं वो प्लस वाली बता रही थी ना, वो तो पता नहीं क्या ही बता रही थी, वो इस केस में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, अब इस केस में आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन जो है वो एंगल के साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, ठीक है। और ये भी ग्राफ जो आपकी बुक में बना हुआ है 9.17 फॉर एयर ग्लास इंटरफेस बना हुआ है, आर इज़ अ फंक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी डेट इज़ रिफ्लेक्टेड नेचुरली एंड इट गोज़ टू जीरो एट रेस्टर एंगल, टी इज़ द फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड, इट गोज़ टू वन एट थीटा बी, नोट दैट आर प्लस टी इज इक्वल टू वन आज रिक्वायर्ड बाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी पर यूनिट टाइम रीचिंग अ पर्टिकुलर पैच ऑफ एरिया ऑन द सर्फेस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम लीविंग द पैच। तो ये वो वाली बात है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये वन होने का क्या मकसद है।